हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी बज रहा है सुबह के 6 और मैं आज कर रही हूँ डेली लेबर। तो 7:30 मेरी रिपोर्टिंग है एंड बिकॉज आई एम गोना मीट माय हस्बैंड टुडे, सो मैं जल्दी उठ गई हूँ सो दैट कि मैं थोड़ी सी पैकिंग वैकिंग कर लूँ। बस मैं जा रही हूँ, रेडी होती हूँ एंड निकलती हूँ एंड फिर आज के दिन मैं क्या क्या करती हूँ मैं आपको सब कुछ दिखाऊँ। तो ये हम जा रहे हैं अपने एयरक्राफ्ट की तरफ एंड वहाँ से हमें 2-3 सेक्टर ऑपरेट करना था, बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से जोधपुर, जोधपुर से देन बैक टू दिल्ली एंड देन दिल्ली में हमारा लेओवर था एंड नेक्स्ट डे हमें ऑपरेट करने थे 2 सेक्टर्स जो कि थे औरंगाबाद एंड बॉम्बे। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कैबिन में क्या पागलबंदी कर रही हूँ एंड ये हम पहुँच गए हैं दिल्ली। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ होटल, होटल से मैं होने वाली हूँ रेडी एंड रेडी होके मैं निकलने वाली हूँ नोएडा की तरफ, लाइक मैं मेरे हस्बैंड से मिलने के लिए एंड उनके फ्रेंड्स भी वहाँ पे मेरा वेट कर रहे थे। मेरे हस्बैंड इस बार मुझे लेने के लिए नहीं आ पाए बिकॉज उनको काफ़ी सारा काम था। सो आई थॉट कि मैं दिल्ली मेट्रो लेके चली जाऊँगी बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग इन मेट्रो। बॉम्बे में तो हमें ट्रैवल करने मिलता नहीं है मेट्रो में, सो आई थॉट कि मैं मेट्रो से ही चली जाती हूँ। बट माई हस्बैंड वॉज लाइक कि तुम इतनी थक के आ रही हो और तुम मेट्रो से क्यों आ रही हो, तो ई वॉज वेरी अपसेट। और फिर मैं यहाँ पहुँच गई, ये मुझे लेने आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन में इरिटेटेड होते हुए। और बस इसके बाद मुझे बहुत भूख लग रही थी तो हम डायरेक्टली चले गए कुछ खाने के लिए। वहाँ पे शॉर्मा बहुत अच्छा मिलता है तो वी हैड शॉर्मा एंड फिर हम आ गए थे स्टूडियो। स्टूडियो में हम बैठे हुए थे थोड़ी देर तक एंड देन वी वेंट टू मॉल बिकॉज इन्हें कुछ इन लोगों को कुछ रात में पार्टी का सब माल लेना था। सो दे बॉट द थिंग्स वट एवर दे वॉन्टेड एंड हम थोड़ा बहुत घूम के देन वी केम बैक होम। रात में पार्टी वार्टी किए। नेक्स्ट डे मेरा और शिरिन का प्लान था कि हम जाएंगे सरोज, काफ़ी वहाँ पे बारिश होने लगी तो हमारा प्लान कैंसिल हो गया। वी केम टू DLF मॉल और ये हम होम डिकोर सेक्शन में आ गए और हम काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे। एक्चुअली आई वॉन्टेड टू सी कि वहाँ पे कैंडल्स के ऑप्शंस कैसे हैं, तो आई चेक द कैंडल्स ऑप्शन बट माई कैंडल्स आर वे बेटर देन दीज कैंडल्स। सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू चेक, आप मेरे अमोदनी लग्जरी कैंडल पेज पे जाके इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप ऑर्डर कर सकते हैं। फिर हमने सोचा कि हम जाते हैं ई रिक्शा पे। हम देखते जा रहे हैं, आपको पता है ना? हाँ जी, पता है, चलिए। ये उसे ई रिक्शा पे जाने का था क्योंकि ये DLF मॉल पे ही अवेलेबल है ये ई रिक्शा। बहुत ही क्यूट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है ये, तो आप कभी DLF मॉल नोएडा जाएंगे तो ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। बस फिर वहाँ से मैं होटल गई, रेडी होने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी फ्लाइट के लिए। तो आज के ब्लॉग में गाइज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय गाइज, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।